नमस्कार दोस्तों, मैं निल आपका स्वागत करता हूँ एयर म्यूजिक में। और दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था फैंटम H6 वर्सेस फैंटम G6, क्योंकि यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं है, तो मैंने इसका एक कंपैरिजन बताया था। उसमें मैंने आपको फिजिकल कंपैरिजन किया था, इसमें कितने नोब्स हैं, कितने इसमें स्विचेस हैं, कितने इसके अंदर आपको पोर्ट्स मिलते हैं, ये सारे मैंने कंपेयर करे थे। वीडियो काफ़ी आप लोगों ने पसंद भी करी है, मुझे अच्छा लगा कि वीडियो काफ़ी अच्छी चल भी रही है। तो अभी दोस्तों मैं इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, ये पार्ट थोड़ा पहले बन जाना चाहिए था। वीडियो लगभग 80% तैयार थी मेरी, लेकिन दोस्तों काफ़ी बिजी शेड्यूल के चक्कर में वीडियो बन नहीं पाई, लेकिन अभी इस वीडियो में बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम फैंटम X6 और फैंटम G6 का टेक्निकली कंपेरिजन करेंगे, टेक्निकली इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, फिजिकली कंपेरिजन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप चाहे उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो आप नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वहां पे वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको फिजिकली पता लग जाएगा एक एक चीज कि क्या क्या उसमें फर्क है। आज की वीडियो में हम समझेंगे टेक्निकली इनमें क्या फर्क है, कितने साउंड है, क्या चीज है, बहुत सारी बातें हैं, कितने इसमें आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, तो वो सारी टेक्निकली चीजें हम समझेंगे आज के वीडियो में। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्चिंग ईयर की, कि ये दोनों कीबोर्ड लॉन्च कब हुए थे। दोस्तों जो फैंटम X6 है 2005 में लॉन्च हुआ था, और जो फैंटम G6 है वो 2008 में लॉन्च हुआ था, यानी कि उसके 3 साल बाद। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि फैंटम जो G6 है वो फैंटम X6 का ही सक्सेसर है, यानी कि जो फैंटम X6 में जो कमियाँ थी उन कमियों को दूर करके और कुछ मिर्च मसाला डाल के एक नया कीबोर्ड बनाया गया, जिसको नाम दिया गया फैंटम G6, जो बहुत ज़्यादा सक्सेस भी रहा। फैंटम X6 में कुछ कमियाँ थी, जैसे कि टोन कटती थी, डिस्प्ले की दिक्कत थी, कुछ छोटी छोटी दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, छोटी मोटी दिक्कतें थी, तो वो सारी दिक्कतें रॉयल एनफील्ड ने दूर कर दी और एक नया कीबोर्ड बनाया जिसको नाम दिया गया फैंटम G6। ठीक है, यानी फैंटम सीरीज है, लेकिन यहाँ पे सीरीज हो गई आपकी जी सीरीज, वो एक्स सीरीज थी आपकी जी सीरीज हो गई। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बात करी लॉन्चिंग ईयर की, अब हम समझ लेते हैं कि इसका कंपैरिजन। फैंटम X6 में आपको 61 की, 76 की और 88 की के तीन ऑप्शन मिलते हैं, यानी फैंटम X6, X7 और X8 आपको यहाँ पे कीबोर्ड मिलते हैं। और सेम चीज ही फैंटम G6 में है, G6, G7 और G8 की इसका फर्क है। जो 8 वाला कीबोर्ड है, यानी कि X8 या G8, उनकी जो कीज होती है थोड़ी सी हैमर की टाइप की होती है, थोड़ी पियानो टाइप की कीज होती है, कीबोर्ड की कीज से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मेनली उस कीबोर्ड को बनाया गया है पियानिस्ट लोगों को ध्यान में रखे, क्योंकि जो पियानिस्ट होते हैं वो कीबोर्ड बजाने में उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। दोस्तों कीज का ऑप्शन दोनों में ही सेम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पॉलीफोनी की, मैक्सिमम पॉलीफोनी इसमें क्या है। दोस्तों अगर आप पॉलीफोनी नहीं जानते कि पॉलीफोनी क्या होती है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉली वर्सेस सोलो, यानी कि पॉलीफोनिक और सोलोफोनिक में क्या फर्क है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा रोलैंड का XP60 आता था उसमें 64 पॉलीफोनिक होता था, और इसमें है आपका 128। दोस्तों मैं आपको इजी समझा देता हूँ, पॉलीफोनी का मतलब ये होता है कि आप एक बार में कितने नोट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई साउंड बजाते हैं मैंडोलिन का, ठीक है, तो जो मैंडोलिन का साउंड होता है उसमें आपको एक बार में एक सिंगल नोट यूज करना होता है। सितार के साउंड में आपको एक बार में एक सिंगल नोट यूज करना होता है, सितार के साउंड में आपको कॉर्ड नहीं बजाना होता। ठीक है, बाकी जैसे हमारे पियानो का साउंड है, स्ट्रिंग का साउंड है, गिटार का साउंड है, बहुत सारे ऐसे साउंड होते हैं जहाँ पे एक बार में हम 10-10 फिंगर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जितनी ज्यादा हमें एक बार फिंगर यूज करने की छूट होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे एक आसान भाषा में पॉलीफोनी। और जहाँ पे हम सिंगल नोट यूज करते हैं, यानी कि बैंजो वगैरह हो गया, इसमें हम यूज करते हैं मोनोफोनिक का, तो उसको हम कहते हैं मोनोफोनिक, और ये होगा आपका पॉलीफोनिक। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है 128 पॉलीफोनिक का। ठीक है, ये दोनों में सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टोन बनाने के लिए आपको इसमें कितने पार्ट्स का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस सेक्शन की, पैच सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो रोलैंड का जो फैंटम X6 है उसमें आपको एक बार में 16 पार्ट से आप एक टोन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन G6 ने धमाल कर रखा है, कमाल कर रखा है, इसमें इतने सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। 16 पार्ट्स तो आपको इंटरनल, प्लस 16 आपको एक्सटर्नल, प्लस 2 ARX कार्ड, यानी कि फैंटम X6 में जो लगता है SRX कार्ड, फैंटम G6 में जो लगता है ARX कार्ड। इसके अलावा 24 पार्ट्स और ट्रैक भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि टोन बनाने के लिए इतना ज्यादा आपको ऑप्शन मिल रहा है। इसके अंदर आप कोई भी साउंड जो आप सोच सकते हैं, जहां तक आपकी सोच जाती है उस सोच तक अपने साउंड को आप बना सकते हैं। तो एक बहुत ज्यादा यहाँ पर अपग्रेड है, बहुत ज्यादा यहाँ पर चेंजेस हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको फैंटम G6 के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेब मेमोरी की। वेब मेमोरी का मतलब होता है कि कंपनी जो आपको साउंड दे रही है
तो उस साउंड्स के लिए कीबोर्ड में इंटरनल कितना स्पेस वो यूज करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक कंपनी कीबोर्ड के अंदर आपको 1000 साउंड दे रही है, दोस्तों कोई भी साउंड उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्पेस की जरूरत होती है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपके साथ फोन है, फोन के अंदर 100 गाने हैं, तो वो 100 गाने किसी न किसी मेमोरी में ही इंस्टॉल होंगे, ठीक है। वो बैटरी के अंदर इंस्टॉल नहीं होंगे आपके, वो किसी और चीज़ में इंस्टॉल नहीं होगा, उसको लिए एक मेमोरी अलग से उसको चाहिए। तो वो जो मेमोरी होती है हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, तो जो रॉयल का फैंटम X6 है उसके अंदर 128 MB की मेमोरी है, और जो फैंटम G6 है उसके अंदर 256 MB की मेमोरी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड वेव फॉर्म्स की, यानी कि इसके अंदर दोस्तों एक तो होता है आपका प्रीसेट साउंड, जैसे आप देखेंगे फैंटम X6 में PRA, PRB, PRA में मान लीजिए आपको 120 साउंड मिल रहे हैं, PRB में आपको मिल रहे हैं 150 साउंड, तो इस तरह के कुछ उसमें प्रीसेट साउंड होते हैं। लेकिन दोस्तों वो प्रीसेट साउंड भी किन्हीं साउंड्स को यूज करके बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ साउंड में आप अगर उनमें जाएंगे चेक करेंगे अंदर जाके, तो आपको दिखेगा कि कोई साउंड 2 साउंड से बनाए, कोई साउंड 8 साउंड से बनाए, कोई 6 से बनाए, कोई 4 से बनाए। तो उसमें जो साउंड जो यूज किए गए हैं, तो जितने साउंड उसमें टोटल दिए गए हैं, तो जो फैंटम X6 से उसमें दिए गए हैं 1480 साउंड, और फैंटम G6 में बहुत ज़्यादा दिए गए हैं 2230 साउंड, यानी कि साउंड बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं फैंटम G6 में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रीसेट मेमोरी की, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया 1480 और 2230 इसमें जो वेव फॉर्म दी गई हैं, उन वेव फॉर्म को कंबाइन करके कंपनी भी आपको कुछ प्रीसेट बना के देती है रेडी टू यूज, यानी कि जाइए और जाके बजाइए। तो उस सेक्शन में आप देखेंगे तो फैंटम X6 में आप पैच के साउंड चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे 1152 साउंड, इसके अलावा 256 आपको GM साउंड मिलेंगे। दोस्तों जो GM साउंड होते हैं उनको आप एडिट नहीं कर सकते, उनको अगर आपको यूज़ करना है तो आप उनको एज इट इज़ आपको यूज़ करना होता है, यानी उसमें डिले रिवर्ब वगैरह अप्लाई नहीं होते हैं, और जो पैचेस के नॉर्मल साउंड होते हैं उनमें आप ये सारी चीज़ें एडिट करके उनको यूजर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करें फैंटम G6 की, तो G6 में आपको ये जो पैचेस हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको 1664, और जो आपकी GM साउंड है वो यहाँ पे सेम है 256 साउंड। तो इसमें पैचेस के साउंड थोड़े यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, लगभग 500 के आसपास कह सकते हैं आप। अब दोस्तों बात करें रिदम सेट की, तो रिदम सेट जो फैंटम X6 में आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 40, और 9 आपको मिलते हैं GM का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रिदम सेट इसमें 40 होते हैं, और जो फैंटम G6 है उसमें होते हैं 64, यानी कि 24 आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस सेक्शन की, तो जिन लोगों ने भी रॉयल का XP60-50 वगैरह बजाया होगा उनको पता होगा कि उसमें 32 उनको परफॉर्मेंस मिलते थे, 32 परफॉर्मेंस में भी वो काफ़ी अच्छा प्ले कर पाते थे, काफ़ी अच्छा यूज कर पाते थे, और 32 साउंड बना के भी वो खुश थे। तो आपका जो फैंटम X6 है उसमें उसको डबल कर दिया गया, उसमें दिया गया 64 साउंड, यानी कि आपको 64 साउंड आपको मिल जाएंगे परफॉर्मेंस सेक्शन में। लेकिन वही बात करें रॉयल के फैंटम G6 में, तो उसमें ये इतने ज़्यादा दे दिए गए कि आप उनका कभी यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि दुनिया भर के आप उसमें बना सकते हैं 552 लाइव सेट्स आपको दे दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 552 लाइव सेट्स आप इसमें बना सकते हैं, इसके अलावा 128 आप यहाँ पे स्टूडियो सेट्स बना सकते हैं। तो मतलब बहुत बड़ा अपग्रेड है, यानी कि 64 और कहाँ 512 और 128, मतलब कुल मिला के देखिए 700 के आसपास बैठ रहे हैं आपके, 650 के आसपास ही। तो बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट है आपको साउंड का, तो मतलब सोचना ही नहीं है फैंटम G6 में आपको इतने ज़्यादा साउंड आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूज़र मेमोरी की, अभी हम बात कर लेते हैं प्रीसेट की, जो कंपनी इनबिल्ट देती है प्रीसेट, लेकिन हम अपने यूज़र उसमें कितने बना सकते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे फैंटम X6 की, तो आप उसमें 256 यूज़र अपने बना सकते हो पैच सेक्शन में, और फैंटम G6 में आप बना सकते हैं 512, यानी कि सीधा डबल, ठीक है, यानी डबल का गेम है। तो G6 में जो पैसा आपको एक्स्ट्रा आप खर्च करते हैं ना, मान लीजिए आपको यहाँ पर 1 लाख देना है, G6 में आपको 1.5 लाख देना है, तो वो 50-60 हज़ार रुपये बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें एक्स्ट्रा मिल रही है, कोई बेकार नहीं जा रहा, आपको बहुत सारा आपको एडवांटेज उसमें मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको पैचेस में मिलने आपको 512। रिदम सेट की बात करें तो X6 में आपको मिलते हैं 32 रिदम सेट, और आपके जो G6 है उसमें आपको मिलते हैं 64, यानी सीधा सीधा यहाँ भी डबल। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें यूज़र के अंदर हम, तो परफॉर्मेंस आपको मिलती है यहाँ पर X6 में 64, और ये जो आपका G6 है दोस्तों G6 में आपको मिलते हैं लाइव सेट में 512। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा सब कुछ मिल रहा है फैंटम G6 के अंदर, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टोन एडिट करते समय जो हम इफेक्ट यूज करते हैं, हम कंप्रेसर लगाते हैं, हम यहाँ पे इक्वलाइजर लगाते हैं। दोस्तों अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं कि इक्वलाइजर क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है, तो इसके लिए वीडियोस चैनल पर बनी हुई हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं कि इक्वलाइजर का मतलब क्या होता है।
तो वो सारी चीज़ें एक अलग सेक्शन है, आपको समझना पड़ेगा एक एक करके कंप्रेसर क्या होता है, इक्वलाइजर क्या होता है। मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। तो उसका अभी हम इसमें कंपेरिजन कर रहे हैं। तो जो फैंटम H6 है इसके अंदर आपको मल्टी इफेक्ट, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं MFX, तो वो आपको मतलब इसमें मिल रहे हैं 3 सिस्टम्स, और आपको 78 टाइप के आपको इसमें इफेक्ट मिलते हैं, बहुत सारे होते हैं आप चेक करेंगे, तो वो आपको इसमें मिलते हैं मल्टी इफेक्ट। और जो फैंटम G6 है उसके अंदर आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है, वो आपको PFX का पैच मल्टी इफेक्ट, यानी कि जो X6 होता है X6 के अंदर जो पैचेस होते हैं, पैचेस के अंदर ना ज्यादा इफेक्ट लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस में तो आप टोन अच्छे बना सकते हैं, लेकिन पैच के अंदर ना डेली रिवर बहुत ही लिमिटेड, बहुत ज्यादा लिमिटेड फीचर होते हैं, तो वो चीज फैंटम G6 में क्या पैच को भी बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो इसमें 16 यूनिट्स दे गई हैं और 76 टाइप के उसमें आपको इफेक्ट दे गए हैं, वो चीज़ आपके फैंटम X6 में नहीं है। अब दोस्तों बात करें फैंटम G6 में जो मल्टी इफेक्ट है MFX हैं, वो लगभग सेम है, यहाँ पे 2 यूनिट और 78 टाइप, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कोरस इफेक्ट की, तो कोरस इफेक्ट आपको मिलते हैं इसमें रोलैंड फैंटम X6 में 3 तरह के। रिवर्ब इफेक्ट की बात करें तो फैंटम G6 बाजी मार लेता है, यहाँ पे फैंटम X6 में आपको 5 तरह के रिवर्ब इफेक्ट मिलेंगे, जबकि फैंटम G6 में आपको 10 तरह के मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है आपका फैंटम G6 के अंदर। अब दोस्तों बात करें इनपुट इफेक्ट, इनपुट इफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों जब आपको इसमें वायर लगाते हैं, कोई आप इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं, कोई माइक लगाते हैं, तो कितने इफेक्ट आप दे सकते हैं, तो 6 तरह के इफेक्ट दोनों में सेम है। इसके अलावा मास्टरिंग इफेक्ट आपका 3 बैंड कंप्रेसर, दोस्तों अगर आप बैंड आप नहीं समझते हैं तो इक्वलाइजर आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसमें बैंड होते हैं आपका मिड फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है और लो फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ पर 3 ही बैंड दिए गए हैं, जबकि बैंड कई में 7 होते हैं, कईयों में मल्टी बैंड होते हैं, बहुत सारे बैंड होते हैं, लेकिन अभी कीबोर्ड क्या है इतना बहुत अच्छे लेवल पे उस चीज़ को नहीं देता है, एक लिमिटेड फीचर आपको देता है। तो इसमें 3 बैंड आपको दिए जाते हैं, तो 3 बैंड में भी कंप्रेशन, यानी कि आपको कौन सा सेक्शन कंप्रेशन करना है, यानी कि मान लीजिए आपकी हाई स्का एरिया बहुत ज़्यादा रहा है, तो आप हाई को अपना थोड़ा सा कट कर सकते हैं, कट थ्रू कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बैंड को। मिड आपको कम करनी है, मिड को आप चेक कर सकते हैं मेरे हिसाब से, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप उस हिसाब में लोस को अपने बैलेंस कर सकते हैं। तो दोनों में सेम है, आपको मास्टरिंग इफेक्ट में 3 बैंड कंप्रेसर आपको मिलता है, यानी कि आप 3 बैंड को यहाँ पर हिसाब से आप यूज कर सकते हैं कंप्रेस करके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं साइज की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग मजे में G6 ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं कि यार गाड़ी में तो आई नहीं रहा, लेके कैसे जाएं, ठीक है, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप साइज आप देख लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों बात करूँ फैंटम X6 के विड्थ की, तो फैंटम X6 में आपको 1050 mm की विड्थ होती है इसकी, इसको हम अगर देखें तो 41.33 इंचेस इसका साइज है, इसकी चौड़ाई जो है इतनी है, और फैंटम G6 की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, यह है आपकी 1066 mm, और 42 इंचेस को हम वैसे कहते हैं। अब दोस्तों बात करें डेप्थ की, डेप्थ में आपको समझाता हूँ, डेप्थ का मतलब ये होता है कि आपकी कीस जहाँ से शुरू हो रही है, उन कीस से लेके कीस का सबसे नीचे पार्ट से लेके आपकी स्क्रीन तक का जो हिस्सा है, वो जो एरिया है वो कितना है, तो वो जो डेप्थ है वो फैंटम जो X6 है उसमें आपका है 358 mm, यानी कि 14 इंच के आसपास का। और जो फैंटम G6 है थोड़ा सा मोटा कीबोर्ड है ना, तो उसमें जो है थोड़ा ज़्यादा है, उसमें डेप्थ है आपकी 411 mm, यानी कि 16 इंच से भी थोड़ा ज़्यादा। अब दोस्तों बात करें हाइट की, तो मैंने आपको बताया कि फैंटम G6 थोड़ा मोटा है, तो हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है उसकी, यहाँ पर हाइट जो है फैंटम X6 की वो है आपकी 125 mm, यानी कि लगभग 5 इंच के आसपास की। और जो आपका फैंटम G6 है उसमें आपका है 142 mm, यानी कि 5.5 इंच से भी ज़्यादा, थोड़ा मोटा कीबोर्ड। वही मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार दिक्कत आती है कुछ लोगों को ट्रैवल करने में, बड़ी दिक्कत आती है, एक तो वेट ज़्यादा, फिर ओवर साइज, आप इसको जब बैग में रख लेंगे या फ्लाइट केस में रख लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा, तो फिर आप अगर इसको डेली ट्रैवल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए स्टूडियो में रखा है तो बहुत बढ़िया कि हाँ भाई बजाना है, स्टूडियो में काम करा ख़त्म, लेकिन डेली लेके घूमना है ना, तो बड़ी सी रद्दी वाली बात रहेगी, आप तो सोच समझ के इसमें आप रिसीव करेंगे ना। अब दोस्तों बात करें वेट की, तो फैंटम जो X6 है उसका वेट है 12.5 किलो और फैंटम G6 है आपका 14.5 किलो का, तो वेट में भी फैंटम G6 2 किलो ज़्यादा है, लेकिन इसका जो बैग वगैरह होता है थोड़ा बड़ा होता है, फ्लैट केस भी बड़ा होता है, हर चीज़ बड़ी होती है, तो वो 2 किलो का फर्क ना 5 किलो में कन्वर्ट हो जाता है बैग के साथ में। दोस्तों यही एक वजह है कि मैंने भी कई साल फैंटम X6 बजाया, G6 लेने का मेरा इसलिए मन नहीं करता कि एक तो ओवर साइज इसका, और इसके अलावा बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं, इसकी इसमें वजन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बल्कि जाता है, गाड़ी में जाने में दिक्कत होता है। तो ये है कि मैंने G6 आज तक इसलिए नहीं खरीदा कि जो फैंटम X6 से थोड़ा सा है तो लगभग भारी, ये भी ऐसा नहीं कि हल्का है,
लेकिन ये है कि इसको लाने ले जाने में ना ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, ये किसी भी गाड़ी में कहीं भी जाते हैं तो इजीली चला जाता है। बाकी मैं इसको ख़राब नहीं कह रहा, मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनली चॉइस है कि मुझे पर्सनली X6 थोड़ा अच्छा लगा और साउंड भी लगभग आपको वो सारे मिल जाते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करें पावर कंजम्पशन की। ठीक है, तो उस सेक्शन में फैंटम जो X6 है उसमें 17 वाट पावर कंज्यूम होती है और फैंटम G6 में आपकी कंज्यूम होती है एक बार में 30 वाट। ठीक है, अब दोस्तों बात करें इनकी पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई आपको अलग से नहीं लगानी होती है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक पावर केबल लगानी होती है यहाँ पे 3 पिन वाली, तो उससे आपका ये चलता है कीबोर्ड। आपको अलग से कुछ अडेप्टर वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ इसमें इनबिल्ट होता है। और दोस्तों इन दोनों कीबोर्ड की खासियत ये है कि इनकी पावर सप्लाई कभी ख़राब भी नहीं होती है। अब आप बिल्कुल ही उसको ऐसी जगह चलाएंगे या बहुत ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं तो कह नहीं सकते, वो ये कि अगर आप खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो वो वाली बात हो जाएगी। बाकी इनकी जो रिलायबिलिटी है यानी कि इनकी पावर सप्लाई सालों साल ख़राब नहीं होती। आजकल जो हम लोग कीबोर्ड बजा रहे हैं वो कीबोर्ड कोई आज ही नहीं बने, 10-15 साल पुराने बने हैं, तो उनकी पावर सप्लाई अभी तक चल रही है, यानी कुछ दिक्कत आपको नहीं आती जल्दी से, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दोनों में पावर सप्लाई सेम सी आप देख सकते हैं, AC 17 AC 200, मतलब ये जो इनकी सारी जो पैरामीटर दोनों के लगभग सेम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। दोस्तों डिस्प्ले में बहुत बड़ा फर्क है, डिस्प्ले के मामले में तो फैंटम G6 बल्ले बल्ले, यानी कि इसका कोई जवाब ही नहीं है, है ना। इस सेगमेंट में जो डिस्प्ले आपको मिल रही है आपको इतना मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको टैब चला रहे हैं हाई रेजोल्यूशन में, आप एप्पल का टैब चला रहे हैं, इतना अच्छा आपको डिस्प्ले दिखती है अगर आप उसमें कोई वॉलपेपर लगाते हैं या काम करते हैं। और इसमें एक्चुअली एक माउस का ऑप्शन भी होता है तो माउस भी कनेक्ट हो जाता है, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप कोई मिनी लैपटॉप चला रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आता है फैंटम G6 चलाने में। और फैंटम X6 की डिस्प्ले कोई बेकार सी डिस्प्ले है, कलर डिस्प्ले है लेकिन नाम के लिए कलर है, उसमें कोई ज़्यादा कलर नहीं आते, कुछ इक्का दुक्का कलर आते हैं, कहीं से भी उसकी डिस्प्ले में कोई मजेदार बात नहीं, बस ये कि हाँ बड़ा बड़ा दिखता है ना। जैसे फैंटम X है, फैंटम X की स्क्रीन बहुत छोटी है तो एडिटिंग वगैरह करने में दिक्कत होती है। फैंटम X6 में क्या बेनिफिट है कि आप उसको ऑनबोर्ड उसकी साउंड वगैरह एडिट कर सकते हैं, आप एडिटर अलग से सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है, आप जो कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम को तो वो चीज़ आपके डिस्प्ले इतनी बड़ी है कि इसीलिए काम हो पाता है। लेकिन फैंटम G6 का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं, उसकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर दोस्तों साइज की बात करें तो फैंटम X6 की जो साइज होता है डिस्प्ले का वो लगभग 5-5.5 इंच के आसपास का होता है, चौकोर डिस्प्ले है। और जो फैंटम G6 की डिस्प्ले है वो लगभग 8.5 इंच की डिस्प्ले है, और वो जो डिस्प्ले है वो आपकी चौकोर ना होके चौड़ी ज़्यादा है और लंबाई यानी ऊंचाई उसकी थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो थोड़ी वाइड टाइप की डिस्प्ले है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप यकीन मानिएगा इसकी। अब दोस्तों बात करें कंट्रोल्स की, कि दोनों के अंदर क्या क्या आपको कंट्रोल मिलते हैं। तो फैंटम X6 में आपको पिच भी मिलता है, सेम आपको G6 में मिलता है, 4 आपको नोब्स मिलती हैं जिनको आप असाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, सेम आपको फैंटम आपको यहाँ पे G6 में मिलती हैं। इसके अलावा इसमें असाइनेबल स्विच होते हैं आपके 2, वो सेम आपके यहाँ पे फैंटम G6 में, डीविंग कंट्रोलर भी सेम है। एक्स्ट्रा क्या है, फैंटम G6 के अंदर आपको मिलते हैं आपको 8 स्लाइडर। 8 स्लाइडर से दोस्तों बहुत ज़्यादा टोन एडिटिंग, वॉल्यूम कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें उसमें असाइन करके अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की, तो जो फैंटम G6 है आपका वो सपोर्ट करता है आपका USB यानी कि पेन ड्राइव, और बहुत ही इजीली पेन ड्राइव आपकी मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन फैंटम X6 में आपका लगता है CF कार्ड, कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड इसको कहते हैं, और ये कार्ड भी कोई ऐसा कार्ड नहीं कि आपको ना मिले, इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये कार्ड ना कैमरों में लगता है और बहुत सारे कैमरे आज भी आते हैं जैसे कि कैनन का R5, उसमें CF कार्ड लगता है, तो CF कार्ड मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये CF कार्ड आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगा, कोई कॉस्टली नहीं होता। तो बस ये कि इसमें आपको एक अलग से अडेप्टर लगाना पड़ता है तो वो कन्वर्ट होके लगता है, तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। इस मामले में मैं प्लस पॉइंट देना चाहूँगा फैंटम G6 को, क्योंकि फैंटम G6 की आप छोटी से छोटी USB बहुत सारी आती है, मिनी USB उसको लगा के भूल जाइए। फैंटम X6 में क्या है, बार बार कार्ड लगाइए निकालिए, अगर हम लगा छोड़ दिया और ऊपर से प्रोटेक्टर नहीं है तो कई बार उस स्लॉट का डैमेज होने का भी चांस होता है, तो उस मामले में G6 काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एडवांस है। दोस्तों यहाँ पे ये इनके कुछ मेन टेक्निकली डिफरेंस थे। इसके अलावा फैंटम G6 के अंदर आप लगा सकते हैं एक कंडेंसर माइक, आपको 48 वोल्ट की पावर सप्लाई मिलती है। फैंटम X6 में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा फैंटम X6 में आप एक बार में केवल एक इनपुट दे सकते हैं, फैंटम G6 में आप 2 इनपुट दे सकते हैं, एक माइक भी दे सकते हैं, एक कीबोर्ड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसमें इनपुट दे सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट हैं, यानी कि हर मामले में फैंटम G6 फैंटम X6 से बेहतर है। दोस्तों आई होप आपको हमारे आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।